हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 24th करेंगे साइंस की, जो कि क्लास 7th की है और 7th अक्टूबर की है। तो बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डायरिया के यानी दस्त के बारे में पढ़ेंगे। डायरिया द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वॉट टिश्यूज फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। ये एक बीमारी होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसको पानी पास आउट करता है जब वो एक्सक्रीशन करता है। तो डायरिया जो है इसको हिंदी में दस्त कहा जाता है, जैसा कि आप सब दस्त के बारे में जानते ही हैं। ये एक बहुत ही इन्फेक्शनियस डिशीज है, फूड पॉइजन हो सकता है और इनडाइजेशन भी इससे होता है, और यही इसके मेन रीजंस हैं। तो जब आपके हाथ में गंदगी होती है और आप खाना खा लेते हैं तो इससे डायरिया हो जाता है। डायरिया एक तरह का डिसीज है और इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर, जब भी जो डॉक्टर है उसे कंसल्ट करना चाहिए जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और डॉक्टर अगर ना हो तो बॉइल्ड या फिर कूल्ड वाटर पीना चाहिए सॉल्ट और शुगर डालकर। इसको कहा जाता है ORS का घोल। तो सम वेज हैं कुछ प्रिवेंट करने के डायरिया। ड्रिंक अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर, वॉश योर हैंड्स विद सोप, इन केस ऑफ डायरिया यूज ORS, यूज प्रॉपर सैनिटेशन, अवॉइड ईटिंग रोड फूड। तो अपना खूब वाटर पिए, हैंड्स को धोएं बार बार खाने से पहले और खाने के बाद, डायरिया के केस में ORS का घोल लें, प्रॉपर सैनिटेशन लें और फूड बाहर का खाना बंद करें। अब आगे ये आप देख सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें बता रखी है ORS का घोल, और ये आपको दिखा रखा है कैसे बना हुआ, अब इसे पीना है, फिर और बता रखा है कि हैंड वॉश करने हैं। तो वॉट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया? इट मे बी कॉज बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। अब हाउ कैन वी मेक ORS एट होम? अब ORS कैसे बनेगा? इफ ORS पैकेट आर नॉट अवेलेबल, अगर ORS का पैकेट आपके पास नहीं है तो आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं। क्लीन वाटर, सबसे पहले अच्छा साफ पानी लें, उसमें शुगर डालें 6 टीस्पून और सॉल्ट डालें 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से डिजॉल्व करके पी लें, तो ये आपका ORS बन जाएगा। सो बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।